एक ऐसा युवक जो गोरखपुर में आया तो था छात्र बनके, लेकिन बन गया सन्यासी, और वो भी 22 साल की उम्र में, और अब वही सन्यासी सीएम बनके जनता की सेवा कर रहा है। जी हां गाइस, हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 5 जून 1972 को एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम रखा गया था अजय सिंह बिष्ट। साल 1992 में ऋषिकेश के श्री गोरख मंदिर कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। एमएससी के दौरान जब वो श्री गोरखनाथ मंदिर की शूटिंग करने के लिए गए हुए थे तो श्री गोरखनाथ का उन पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी से ही सन्यास की दीक्षा ले ली और गोरखनाथ मंदिर में ही सन्यासी बन गए। लेकिन साल 1998 में मात्र 26 साल की उम्र में योगी जी सांसद बन गए थे। लेकिन कुछ वजहों से खुद योगी आदित्यनाथ जी को भी साल 2007 में जेल जाना पड़ा था, जिसकी वजह से साल 2017 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन 19 मार्च साल 2017 को योगी जी उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री बन गए। गाइस, एक सन्यासी से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक योगी जी का सफर सच में प्रेरणादायी है। एक सड़क हादसे में अपने पिता की हुई गंभीर हालत देख के एक दिव्यांग बेटे ने एक ऐसा हेलमेट बना दिया जो सड़क हादसे के खतरों को कम करने में काफी मदद कर सकता है। अब ऐसा क्या खास है इस हेलमेट में, चलिए जानते हैं। ये हेलमेट बनाया है उत्तर प्रदेश के मधुपुर में रहने वाले इंद्रेश कुमार ने। कुछ दिनों पहले उनके पिता का एक भयानक हादसा हो गया था और इसी हादसे ने उन्हें कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर दिया जिससे दोबारा किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो। इंद्रेश ने एक ऐसा हेलमेट का आविष्कार किया है कि उस हेलमेट को बाइक से कनेक्ट करने के बाद बाइक तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक गाड़ी चलाने वाला हेलमेट पहन नहीं लेगा। इसके साथ ही अगर बाइक चला रहे शख्स ने शराब पी रखी है तो शराब की गंध आने पर भी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। इस हेलमेट की मदद से आए दिन होने वाले सड़क हादसे रोके जा सकते हैं। गाइस, अपनी तकलीफ को भुलाकर दूसरों के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करने वाले इंद्रेश के लिए एक हार्ट तो बनता है। क्या आपने कभी किसी बंदर को नेचुरली मरते देखा है? शायद नहीं। आखिर भगवान राम ने इन बंदरों को ऐसा कौन सा वरदान दिया था? क्या आपने कभी डिस्कवरी में कोई ऐसा वीडियो देखा है जिसमें बंदर मर रहा हो? शायद वो भी नहीं। पर ऐसा क्यों? देखिए, ये सच है कि आज तक कोई भी बंदरों को नेचुरली मरता हुआ नहीं देख पाया है, क्योंकि उन्हें उनकी मौत के बारे में 7 दिन पहले ही पता लग जाता है और तब से बंदर एक सुनसान जगह चुनकर वहां बिना कुछ खाए पिए रहने लगते हैं। ये बात भी सच है कि जब उनकी मृत्यु का समय आता है तो वो बिना किसी को डिस्टर्ब करे अपने आप को दीमक के हवाले कर देते हैं ताकि दीमक उनकी बॉडी को खाकर खत्म करे। और अगर किसी बंदर की किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो बाकी बंदर उस मरे हुए बंदर को भी दीमक के हवाले कर देते हैं। दरअसल पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान राम ने बंदरों को यह वरदान दिया था कि बंदरों को 7 दिन पहले ही उनकी मृत्यु का पता लग जाएगा और मरने के बाद उनका शरीर दीमक का खाना बनेगी, और इसीलिए हम कभी भी बंदरों को नेचुरली मरता नहीं देख पाते। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।